दिवाली पे कटे कोई दिक्कत नहीं, रमजान में नहीं कटनी चाहिए उनको दिक्कत होती। संवैधानिक पदों का ध्यान हम सबको रखना होता है, फिर चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या फिर राज्यपाल और आदि आदि। यूं नहीं कि मुंह उठाया और जो मन में आया बोल दिया। अपनी बात रखने का हक सभी को है, लेकिन पूरे विवेक के साथ, तथ्यों के साथ और सबसे ज्यादा जरूरी है उचित शब्दों के साथ। रमजान पर सरकार के बिजली बिल के आदेश को लेकर एक व्यक्ति ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वह अब हवालात में बंद है। यह मामला जोधपुर से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि 47 साल के आरोपी राकेश सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का कहना है कि रमजान पर मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली नहीं काटने के फरमान को देखकर उसे गुस्सा आ गया। ऐसे में उसने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी, जबकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। सीकर निवासी राकेश सिंह शेखावत जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। उसने सोशल मीडिया पर मंगलवार को टिप्पणी लिखी कि कोई जिंदा हो तो मुझे रिवॉल्वर दे सके, सबक सिखाना है। राकेश की इस टिप्पणी के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और दस्तयाब कर रातानाडा थाने ले आई। थानाधिकारी भरत रावत ने बताया कि राकेश से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि उसने शराब के नशे में ये टिप्पणी कर दी। राकेश का कहना है कि नवरात्र और दीपावली पर बिजली की कटौती होने से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, रमजान माह में बिजली कटौती नहीं होने का फरमान जारी करते हैं। ऐसे में गुस्सा आ गया और टिप्पणी कर बैठा। राकेश ने कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।